अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? चेक करें सारे परिंदे माशाल्लाह खुश है। और आज जो है ना, कल मेरे साथ इस तरह हुआ कि कल शाम को जब मैं पिंजरे अंदर रखने लगा ना, तो एक डायमंड डब जो है वो उड़ गई थी। तो जब मैं आया तो वो यहीं पर बैठी हुई थी, मैंने पकड़ के उसको भी पिंजरे में डाल दिया। तो हमारे खरगोशों की खारिश भी बहुत कम रह गई है, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और बाकी जो है वो मैं घर से थोड़ी सी चीज़ें लेके आऊँगा, थोड़ा सा इनको डाल देता हूँ। घर से जो है मैं केक रस लेके आया था, वो कोई भी नहीं खा रहा था घर में, तो मैंने कहा चलो इनको डाल देता हूँ, सब आराम सुकून से खुशी खुशी खा लेंगे। तो जल्दी जल्दी इन सबको केक रस डालते हैं। केक रस मैंने सारा डाल दिया है, छोटे छोटे पीस करके अब सारे आराम सुकून से खा रहे हैं। तो इन्हें खाने देते हैं और माशाल्लाह काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। टर्की बर्ड भी खा रहे हैं और सारी चीज़ें खा रही हैं केक रस। और यहाँ पर चेक करें, हमारा टाइगर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खुश है। और इसको खिजर बाहर घुमा लाओ दो मिनट के लिए, जिसका भी माइंड रिलैक्स हो जाए, मगर इसने नहीं जाना, बस रहने दे। छोड़ खिजर, जल्दी जल्दी मोर को पकड़। तो आज जो है वो मोर के जो है ना, हमने सारे पर निकाल देने हैं जो कटिंग किए हुए हैं ना। तो इससे ये होगा कि इसके दोबारा न्यू पर आएंगे तो ये ऊपर बैठ सकेगा, बेचारा नीचे रह कर भी ना तंग आ गया। तो इसको अभी पकड़ते हैं और इसके पर निकालते हैं। पर वगैरह हमने निकाल दिए हैं मोर के, और माशाल्लाह अब अगली बार जो आएंगे पर तो ये खुल आजाद घूमेगा। और चकोरे देखे और बाकी चीज़ें डर रही हैं, पता नहीं इसको क्यों पकड़ा हुआ। तो मोर अब रिलैक्स हो जाए, अब चेक करें कितनी स्पीड से भाग गया। सब्ज़ी मैंने पकड़ लिया, तो जल्दी जल्दी सबको डालते हैं सब्ज़ी। सारे परिंदे चेक करें कि यहाँ पर घूम रहे हैं। तो मोर के जैसे ही पर निकाले हैं तो माशाल्लाह मोर थोड़ा सा रिलैक्स तो हुआ है। इसकी टांग का मसला है, अब इसकी टांग भी चेक करवाएंगे, लेकिन अब ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार। पर निकालने के बाद ना इसकी जो अजाफी वज़न था ना, वो कम हो गया। तो अब चेक करें, बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहा है और काफ़ी बड़ा बड़ा भी लग रहा है अब तो। माशाल्लाह काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा मोर अब ज़्यादा बड़े पर आएंगे और आराम सुकून से घूमा करेगा। और बाकी चीज़ें यहाँ पर घूम रही हैं, डक्स भी घूम रही हैं मेरे हाथ में, सब्ज़ी देख कर मेरे इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो जल्दी जल्दी सबको डालते हैं सब्ज़ी, उसके बाद बाकी काम करेंगे। माशाल्लाह जी, इधर चेक करें, सबको मैंने बाजरा बहुत ज़्यादा डाल दिया है और बाकी चीज़ें भी डाल दी हैं। तो सब आराम सुकून से खा रहे हैं, तो कोई भी टेंशन नहीं है अब। तो इस साइड पर चेक करें, टर्की बर्ड भी आराम सुकून से खा रहे हैं, कबूतरों का बाजरा भी फेंक दिया है। इस साइड पर कॉकटेल वगैरह, फिंचीज वगैरह, सब चीज़ों को, बाजरा कल का ही पड़ा हुआ है तो माशाल्लाह वो ठीक था, तो मैंने कहा कल डाल देंगे। और हमारी ये वाली जो डव है ये आ गई है, तो चेक करें वो ऊपर बैठी हुई है परली साइड पर टोकरी के ऊपर, तो माशाल्लाह काफ़ी प्यारी लग रही है। और बाकी सारी चीज़ें भी काफ़ी हैप्पी हैं। और इस साइड पर चेक करें तो हमारे खरगोश भी यहाँ पर घूम रहे हैं और आराम सुकून से खा रहे हैं, इनकी खारिश भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो अब बिल्कुल रिलैक्स है। टाइगर ऊपर देख ले यार, हाँ टाइगर देखने लग गया है। तो टाइगर को जो है वो बंद करते हैं, ये आराम सुकून से खाए पिए और सुकून करे। तो बाकी चीज़ें भी सारी बंद कर दी हैं। आज जो है वो हमने मोर के पर निकाल दिए हैं, तो मोर जो है वो बहुत जल्द इंशाल्लाह, कहते हैं 40 दिन आई थिंक ना, 40 दिन में पर आ जाते हैं कबूतरों के, तो मोर के आ जाएंगे 50 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो भी उड़ने लग जाएगा, तो यहाँ पर उड़ा करेगा, सुकून से रहेगा। इस बार जो है हमने नहीं काटना, क्योंकि अब पक्का हो चुका है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब मैं खुद कह रहा हूँ कि यार बेचारा यहाँ पर घूमता रहता, ऊपर दीवारों के ऊपर चढ़ता था, खुश होता था, तो अब जो है वो बेचारा रिलैक्स ही नहीं फील कर रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वो ठीक होगा ना, तो हम पर आएंगे तो वो उड़ने लग जाएगा। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।